ये देखिए जी, ये है सड़क जिसे बनाया गया था हाल ही में, करीबन साल भर हुआ होगा, लेकिन इसे रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। ये देखिए लुक और बजरी, हालांकि जो हर आने वाली सरकार जो है वो अपने तरीके से इसको रिपेयर करवाती है, लेकिन ये तरीका अनोखा है। ये देखिए सड़क है, सड़क में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और साल भर में ही ये सड़क जो है टूट भी चुकी है पूरी तरह से, और उसको जब भी रिपेयर किया जाता है, आगे लुक का इस्तेमाल किया जाता था, तारकोल जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्या है इसमें बहुत सारी मिट्टी जो है वो यहाँ डाल दी गई है ताकि सड़क जो है जम जाए और पता ना लगे, लेकिन ये पूरा का पूरा ये देखिए इसके अंदर मिट्टी डाली गई है और इसमें जो रोड़ियाँ हैं वो इस तरह से इस्तेमाल करी गई हैं ताकि किसी को आभास भी ना हो, और क्योंकि जो तारकोल है, तारकोल के साथ केवल तारकोल ही चिपक सकता है, लेकिन यहाँ इसे दिखाया गया है ताकि मिट्टी डाल करके, ताकि दूसरी जगह रिपेयरिंग का पता ना। और ये पूरी की पूरी सड़क में जहाँ पर भी टूट फूट हुई है वहाँ जो है ये इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए पूरे के पूरे पत्थर जो हैं वो बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे आपको, ये देखिए। और इसे रिपेयर करने वाले हैं बाकायदा ट्रॉली लेकर के आए थे और उसके अंदर मिला करके, ये पूरे के पूरे शहर में इस तरह से हो रहा है, और जो नगर निगम की सड़कें हैं या अंदरूनी जो सड़कें हैं बाजार के अंदर, उनमें भी ऐसे किया जा रहा है। ये एक अनोखा तरीका है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का तारकोल इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए जैसे ही बारिश आएगी ये दोबारा टूट करके बाहर निकल जाएगी, और ठेकेदार का जो समय होता है 5 साल का या 3 साल का जो इसे मेंटेन रखने का, वो समय निकल जाएगा। यानी जो भी अगर कोई बोलने वाला नहीं है तो जैसे तैसे करके इसे बढ़िया से ठीक करके रिपेयर करके दिखा दिया जाएगा, और ताकि मेरे जैसा कोई भी पत्रकार या कोई भी वीडियो बना करके दिखा ना पाए कि यहाँ भाई इतना बड़ा गड्ढा है, क्योंकि आजकल एक तरीका बड़ा कमाल का है, गाड़ियों को सामने रख दिया जाता है और जैसे ही कोई सड़क टूटी होती है तो उसमें गाड़ी को घुसा करके ये दिखा दिया जाता है कि ये यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है, ताकि जो प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी नज़र में आ जाए, लेकिन ये नज़र में नहीं आएगा क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो और इससे तो अच्छा यही था कि जो सड़कें थी टूटी हुई थी वही अच्छी थी, और कच्चे रास्ते ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अब प्रशासन इस पे क्या संज्ञान लेता है। हालांकि केवल मैं ही ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कई अखबारों में भी इस तरह का, हमारा जो अखबार है पल पल न्यूज़, उसने भी ये आवाज़ उठाई थी कुछ दिन पहले, और आज हम वीडियो के माध्यम से पल पल न्यूज़ चैनल पर ये आवाज़ उठा रहे हैं ताकि लोगों के कानों तक पहुँचे और प्रशासन जागने की कोशिश करे। नमस्कार।